नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं हूं कपिल पाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में उम्मीद करता तो हूं आप मेरे सेशन को डेली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बस इसी तरह से फॉलो करते रहेगा आज है उनतीस दिसंबर 2022 तो साल के एंड में हम आ चुके हैं और इसी के साथ नए साल की शुरुआत करने का वक्त आ चुका है और नए वक्त नए साल की शुरुआत हमेशा हम एक नए जोश के साथ करने की कोशिश करते हैं तो उस कोशिश को आगे एग्जीक्यूशन तक फाइनल एग्जीक्यूशन तक जरूर लेकर जाइएगा चलिए खैर एक जनवरी को उसी के लिए मैंने आपके लिए एक जोश भरा सेशन भी रखा है बारह घंटे के मैराथन क्लास रखी है आपकी एक जनवरी को सुबह साढ़े नौ बजे तो जरूर सेशन में आइएगा राइट चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स एंड पी मिल जाए जस्ट आपको टाइप करना है सर्च बार में एट द रेट के पल, आपको मेरा चैनल मिलेगा जनरल अवेयरनेस विद कपिल्ड पल करके उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आज की जो पहली खबर है उस पर चलते हैं सीधा और आज की जो फर्स्ट न्यूज आई है वो आई है आई, आई बेंगलुरु जी ट्वन्ती ट्वन्ती से यहाँ पर आपका जी ट्वेंटी जो मीटिंग है जो आपकी एवरी जो अगले साल हमारे हिंदुस्तान में भारत में न्यू दिल्ली में होने वाली है उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को दी जा चुकी है तो उसके तहत बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट हैं जिनकी मीटिंग्स भी इंडिया में होंगी जिसमें से एक मीटिंग है एस नाम की यानी कि साइंस ट्वेंटी नाम की इस साइंस ट्वेंटी नाम के इस मीटिंग को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा अलग अलग जगहों पर लेकिन इसका एक मेन ऑफिस जो है वो बनाया गया है बेंगलुरु में जिसको इन्होंने सचिवालय या फिर सेक्रेट्रिएट का नाम दिया तो जो एस ट्वेंटी का सेक्रेट्रिएट रहेगा वो रहेगा आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसी के साथ इसकी जो मीटिंग्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे कंडक्ट की जाएंगी जिसमें अगरतला लक्षद्वीप और भोपाल ये तीन जगहें शामिल रहेंगी जहां पर आपकी इससे संबंधित मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा उम्मीद कर दो जी ट्वेंटी के बारे में आपको हर एक चीज मालूम होगी मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ जी ट्वेंटी संबंधित जो भी खबरें आ रही हैं उनको यहां पर बहुत अच्छे से याद कीजिएगा एग्जाम एग्जामी के बारे में भी और जी ट्वेंटी का लोगो कैसे होगी कब होगी क्यों होगी पिछली कहा हुई तो ये सब चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए राइट अगली न्यूज पे चलते हैं होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया नेम ऑफ टू प्लेसेज चेंज किया गया है दो जगहों का नाम उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारी जगहों का नाम चेंज करती आ रही है और उसी लिस्ट में दो जगहें और शामिल हो चुकी हैं और इसका अप्रूवल फाइनल जो अप्रूवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ भी चुका है होम मिनिस्ट्री ने इस पर यहाँ पर अप्रूवल लगा दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया है बेसिकली किसी भी जगह का नाम चेंज करने के लिए एक पूरा पूरा प्रोसेस होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले उस जगह का नाम चेंज करने का एक प्रपोजल भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री को इसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री को भी और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक द लोकल तहसील वगैरह हुआ तो उन सबके लिए यहाँ पर अलग अलग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे ही आ जाता स्टेट गवर्नमेंट के पास कि किसी भी तरह के डिपार्टमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है तो इसका नेम जो है चेंज कर दिया जाता है अब उत्तर प्रदेश में जो दो जगहों का नाम बदला गया है उन दो जगहों में सबसे पहली जगह है आपकी दैट इज मुंदेरा बाजार मुंदेरा बाजार जो कि म्यूनिस्पल काउंसिल गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम यहां पर कर दिया गया है चोरी चोरा ओके चोरी चोरा उसका नाम रख दिया गया मुंदेरा बाजार का नाम चोरी चोरा रख दिया गया है चोरी चोरा आपको यहां पर याद होगा अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में जानते हैं तो चोरी चोरा एक काफ़ी उस टाइम एक इंसिडेंस हुआ था जब वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस एरिया में और वहाँ के लोगों को मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और फिर लेटर ऑन वहाँ की जो पुलिस चौकी थी उसको वहाँ पर जला दिया गया था जिसके तहत 22 पुलिस वाले भी मारे गए थे और कुछ सिविलियंस भी मारे गए थे तो ये ही एरिया है चोरी चोरा तो उस जगह का नाम अब चोरी चोरा के नाम से जाना जाएगा और इसके अलावा दूसरा जो है दूसरा तेलिया अफगान जो गांव है देोरिया डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम तेलिया शुक्ला रख दिया गया है तेलिया गांव यहां पर है आपका जो तेलिया अफगान इसका नाम तेलिया शुक्ला और वहां के अगर लोकलाइट्स की माने तो वो लोग इसको तेलिया शुक्ला के नाम से ही शुरुआत से जानते हैं तेलिया अफगान जो नाम है बेसिकली वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या कह लीजिए लोकल तहसील है लैंड रिकॉर्ड्स है उसमें इस तरह का नाम चल रहा है लेकिन वहां के लोग इसको तेलिया शुक्ला ही कहते हैं वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर तेलिया शुक्ला ही प्रोनाउंस किया जाएगा हर एक पर्सन के द्वारा तेलिया अफगान कोई नहीं बोलता है जस्ट वो एक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर उसका नाम तेलिया आ, अफगान है तो इन दोनों जगहों के नाम का अप्रूवल अब आ चुका है तो पॉइंट से याद रखिएगा कौन सी जगह का नाम क्या किया गया है मुंदेरा बाजार का नाम चोरी चोरा किया गया है और तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ला किया गया है तेलिया शुक्ला या फिर तेलिया अफगान जो है वो आपकी स्थित है दियोरिया विलेज आपका दियोरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये गांव है और दूसरा जो है चोरी चोरा वो यहाँ पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक खबर आती हुई अगली न्यूज पे चलते हैं अगली खबर क्या है अगली खबर है उत्तराखंड से उत्तराखंड ने लॉन्च किया है एस बी आई फाउंडेशन एंड दी एच को एस एचको प्रोजेक्ट को अब इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लगाया गया है एस बी आई फाउंडेशन और एचको प्रोजेक्ट के द्वारा अगला ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है ये है क्लाइमेट रेजिलिएंट लिवलीहुड फॉर डिजास्टर प्रोन रीजन ऑफ उत्तराखंड प्रोजेक्ट जो कि है स्पेसिफिकली चामोली डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए चामोली उत्तराखंड में जो, जो एरिया है वहां के विलेजेस जो हैं, उनको क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है एस फाउंडेशन और साथ में है एक्सको प्रोजेक्ट एक्सको क्या है एक्सको यहां पर आपका ये पूरा नाम है इसका हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सी एस आर दैट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आम है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सी एस आर एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाने वाला एक अलग से डिपार्टमेंट एक अलग से उन्होंने इंस्टीट्यूशन ओपन किया हुआ है और उसको वो नाम देते हैं एस बी ए फाउंडेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं एज पर आरबी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उनको अगर वो एक पर्टिकुलर टर्नओवर से ऊपर साल का उनका बिजनेस है तो उनको यहां पर अपने प्रॉफिट का टू परसेंट जो हिस्सा है वो किसी ना किसी सोशल एक्टिविटीज के लिए डोनेट करना पड़ता है उसके लिए उनको पैसा देना पड़ता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उस कैटेगरी में यहां पर आता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अलग से एक फाउंडेशन बना ली है नाम रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और ये फाउंडेशन जो है ये यहां पर आपका फंडिंग जो है एस से लेती है दो प्रॉफिट जो है वो एस फाउंडेशन को दे दिया जाता है और इस दो प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्ट नहीं कहूंगा यूटिलाइज किया जाता है अलग अलग यहां पर चीजों के लिए अलग अलग सोशल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओके सो इन सभी सभी सोशल एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी जो है फिलहाल चामोली एरिया जो है वहां के गांवों के लिए जो उत्तराखंड में है उनके लोगों के लिए एस फाउंडेशन और साथ में उसने हाथ मिला है एचको के साथ इन दोनों के द्वारा वहाँ के लोगों के लिए मदद करने के लिए ताकि वो किसी भी तरह की जो सिचुएशन है या फिर कोई भी आपका नेचुरल कैलॉमिटी है हो जाती है उनसे उनको बचाया जा सके तो टू तो तो प्रमोट इक्विटेबल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन टेन डिजास्टर प्रोन विलेजेस दस ऐसे विलेजेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है नेचुरल डिजास्टर का इन द जोशीमठ ब्लॉक ऑफ द चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में इन जगहों को यहां पर डेवलप करना रीडेवलप करना या या फिर ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराना कि उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाए या उनको अगर किसी भी तरह के कोई इश्यू होता है नेचुरल डिजास्टर से तो उनकी मदद की जा सके तो यह चीज की गई है इसके अलावा एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें शामिल है जो कि यहां पर तीन साल के लिए इनमें फंडिंग देगा तो ये तो फंडिंग देंगे ही देंगे ये दोनों के दोनों इसके अलावा एस जनरल इंश्योरेंस भी अपनी तरफ से तीन साल के लिए उन्होंने हमेशा के लिए नहीं कहा तीन साल के लिए फंडिंग देगा दो पच्चीस तक ओके okay. चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं ई स्पोर्ट्स गेट्स रिकॉग्निशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट सो में से बहुत सारे लोग गेमर्स गेम्स ये गेमर्स होंगे या गेम के शौकीन होंगे जो हम गेम्स आजकल खेलते हैं पहले के टाइम पे भी गेम्स खेलते थे मारियो कोंट्रा टाइप पे है ना मेरे ज़माने में आपके टाइम पे या पबजी वगैरह आ चुका है तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो आजकल की जो लेटेस्ट गेम्स हैं उनमें अपना करियर देखते हैं और वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही सही भी बात है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है उसमें अगर आप कैरियर बनाएंगे तो आप ज़्यादा पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं क्योंकि आपका माइंड सेट ही वैसा चलता है है ना ध्यान में रखिएगा एक मेरी तरफ से बात अगर आप किसी के कहने या किसी बोलने पर कोई चीज़ कर लेते हैं लेकिन आपके अंदर से इच्छा कुछ और करने की है तो शायद आप उस चीज़ में इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो किसी और के कहने पर किसी और के थोपने पर आपने की है तो इसलिए अगर आप एक बढ़िया अपना लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव को देखते हैं तो वो चीज़ ज़रूर अपनाइएगा जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें अपना जो एक इनकम सोर्स है कहीं ना कहीं से वो जरूर डिज़ाइन कीजिएगा इन फ्यूचर बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स की दबाव में आकर ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि पेरेंट्स कहते हैं कि एक फिक्स इनकम सोर्स है तुम्हें ये करना चाहिए तुम्हारे द्वारा जो हॉबी परस्यू की जा रही है इसका क्या पता फ्यूचर में क्या होगा वो अपनी जगह सही है लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी अपनी जगह सही हो तो कल को अगर आप उनकी बात मान रहे हो वेल एंड गुड आप मानो उनकी बात एक फ़िक्स इनकम सोर्स आप अपना लो लेकिन उसके बाद लेटर ऑन जब आपको सही समय आए जब आपकी एक फ़िक्स इनकम सोर्स सही बन जाए आप सस्टेन हो जाओ एक साल दो साल तीन साल बाद जब भी आपको सही लगे उसके बाद जो आपकी हॉबी थी जो आपका इंटरेस्ट था उसको प्रस्यू करना साइड साइड शुरू कर देना रोज के एक घंटा दो घंटा देते रहना देते रहना आपका वो इंटरेस्ट जिसमें भी है वो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा एक अलग मुकाम पर लेके जा सकती है इन फ्यूचर ऐसे नहीं कहूंगा कि 100 परसेंट लेके जाएगी लेकिन आप अगर डेडिकेशन के साथ उसमें काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको एक अलग मुकाम पर लेकर जा सकती है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिर कल को क्या होगा कल को आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है शायद वो रिप्लेस हो जाए एरिया ऑफ इंटरेस्ट से और उसी तरह से गेमिंग को भी यहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता था अब गेम खेलने जाते थे मम्मी हमारी मारती थी वगैरह वगैरह सबके घरों की एक ही कहानी है लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इन्हीं गेम्स को इन्हीं ऑनलाइन गेम्स को जो है ई स्पोर्ट्स जिनको कहते हैं इन ई स्पोर्ट्स को अब एक फिक्स जो स्पोर्ट्स कहते हैं जिसको खेल कहते हैं उसका दर्जा दे दिया गया हमारे देश के द्वारा हमारे देश के द्वारा इसको अप्रूवल मिला है एज पर दर्टिकल आर्टिकल सेवन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि इसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के द्वारा और ये नेशन के मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में शामिल हो गया और अगर आप, आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा तो एक चीज बता दू यहां पर कि 2018 के जो एशियन गेम्स था उसमें ई स्पोर्ट्स को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स ऑलरेडी किया जा चुका है और आने वाले टाइम में इससे संबंधित ई स्पोर्ट्स से संबंधित आप देखोगे इवन ओलंपिक्स भी आयोजित किया जाएगा और बहुत सारे देशों में और भी ये स्पोर्ट्स यहां पर आगे बढ़ने वाला है तो एक बड़ा ही स... बढ़िया कैरियर है इसमें में भी आ चुका है कैरियर और ये 2018 में अठारह स्पोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट का मतलब होता है कि इस इवेंट को तो कंडक्ट किया गया लेकिन इसमें किसी ने भी जो मेडल जीते थे किसी भी कंट्री उसको मेन मेडल टैली में शामिल नहीं किया गया था रैंकिंग के लिए ठीक है तो उम्मीद करता तो ये समझ में आ गया होगा इसमें ये आर्टिकल सेवेंटी आ, ये याद रख लीजिएगा क्लोज थ्री ऑफ आर्टिकल 77 ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 77 क्या है और बाकी तो ई e स्पोर्ट्स है मिनिस्ट्री कौन सी है कौन से गेम कौन से गेम्स में इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स सबसे पहले शामिल किया गया था एशियन गेम्स 2018 में शामिल किया गया था एशियन गेम्स 2018 में कहां पर हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी जहां पर हाल ही में जी ट्वेंटी सम्मिट जो है वो एंड हुई और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यहां पर आपके प्रेसिडेंसी सौंपी तो इंडिया इस बार जी ट्वेंटी मीटिंग अपने यहां कंडक्ट कर रहा है ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं आ, धर्मादम धर्मादम बिकम्स फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्युएंसी ये जो एरिया है नाम थोड़ा सा मैं बोल लू इसको धर्मादम ओके धर्मादम ठीक है सो so, धर्मादम जो कंस्टिट्युएंसी है ये केरला के चीफ मिनिस्टर पिन्नरई विजयन की कंस्टिट्युएंसी है उनके द्वारा यहां पर इस कंस्टिट्युएंसी में चुनाव लड़ा गया और जीता गया ये उनकी कंस्टिट्युएंसी अब ऐसी कंस्टिट्युएंसी बन चुकी है कि वहां के जितने भी विलेजेस हैं तालुकाज हैं जो भी हैं जो डिवीज़न होती हैं, उनमें सब में लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जा चुकी है लाइब्रेरी बन चुकी है और ये इंडिया की पहली ऐसी एरिया जो है कंस्टिट्यूंसी जो है वो बनी है जिसमें सभी जगह पे लाइब्रेरी आपकी अवेलेबल है केरला के बारे में खैर हम जानते हैं केरला इंडिया का इकलौता हंड्रेड लिटरेट नेशन है इकलौता और पहला भी और इकलौता भी यहां पर आपका और वहां पर आपका एक प्रकार से लोगों को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है तभी तो वो हंड्रेड परसेंट लिटरेसी स्टेट है और साथ ही साथ वहां पर एक ये एक रेवोल्यूशन के रूप में लाइब्रेरीज ओपन करना वहां पर एक रेवोल्यूशन के रूप में देखा गया था वहां पर एक बहुत साल पहले एक पर्सन हुए थे जिनका नाम था आपका पुथुवाल नारायण पानीकर ऑफ केरला इनको यहां पर फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट भी कहा जाता है इंडिया का ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इनको कहा जाता है और इनके ही दिवस और जो मृत्यु दिवस है उस दिन को एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डे यहां पर ऑब्जर्व किया गया है वो देखते हैं क्या वो है आपका यहां पर उनकी डेथ एनिवर्सरी को जून 19 इन डेथ एनिवर्सरी एज व्यादिनम रीडिंग डे 96 में इसको घोषित किया गया था 2017 में यहां पर इन 2017 जून 19 हिज डेथ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व एज दी नेशनल नेशनल डे डे रीडिंग इन इंडिया इनके द्वारा तो पहले केरला सरकार के द्वारा वहां का एक रीडिंग डे घोषित किया फिर उसके बाद यहां पर 2017 में इसको नेशनल रीडिंग डे ही घोषित कर दिया गया था और इस नेशनल रीडिंग डे यानी कि 19 जून के बाद जो अगला मंथ आता है जुलाई उसको यहां पर नेशनल रीडिंग मंथ घोषित किया जाता है ये यहां पर वहां के लाइब्रेरी मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था उनके डेथ एनिवर्सरी के मौके पर यह सब किया गया आई थिंक मैंने बर्थ एनिवर्सरी बोल दिया था डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ये किया गया था इन्होंने ग्रंथशाला संगम तकरीबन 50 स्मॉल लाइब्रेरीज 1945 में केरला में ओपन की थी जो कि फिर थाउजेंड ऑफ लाइब्रेरीज में आगे 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 आगे, आगे बढ़ती गई टोटल सारे के सारे जो हैं उन सब में यहां पर आपका उन सभी वार्ड्स में यहां पर आपका ये लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है नाम है दर्मादम किसकी कंस्टिट्यूंसी है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन की कंस्टिट्यूंसी है ओके okay, सो so ये भी पूछा जा सकता है आपसे और ये हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है हु इज इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इन इंडिया इंडिया व्हेन नेशनल रीडिंग डे ऑन विच डेट नेशनल रीडिंग मंथ कौन से दिन होता है ये पूरा का पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक ट्रिकी क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है ओके okay. चलो आगे चलते हैं स्टार नेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ओके okay, सो so एक सितारा तारा है ना एक मूवी भी आई थी उनका नाम था तारा और सितारा है ना तो खैर चलो आ, स्टार नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी कंटिन्यू पिछले तीन चार दिनों से यहाँ पर खबरों में हमारे बने हुए हैं क्योंकि 25 दिसंबर को उनकी जो जन्मदिवस के मौके को यहाँ पर नेशनल गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है बहुत सारे वॉर्ड्स भी दिए गए बहुत सारी सेरेमनीज यहाँ पर आयोजित की गई कल भी हमने खबरें पड़ी थी और यही हमारे देश के जो पूर्व लेट पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्हीं के नाम पे एक स्टार का नाम सितारे का नाम तारा का नाम यहाँ पर रख दिया गया है और उस सितारे को नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ये रखा किसने है यह रखा है यहां पर आपका आ, औरंगाबाद यूनिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की औरंगाबाद यूनिट ने इसको यहां पर रजिस्टर कराया है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने वो 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 एक सितारे को यहां पर पर और सितारा सितारा कहां पर है वो सितारा हमारी धरती से तीन लाइट बानवे दूर है ये क्लोजेस्ट स्टार है आपका सूरज के सबसे सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है द स्टार विदर्डिनेट्स फोर्टीन जीरो फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री मतलब बताई गई है याद करने की आवश्यकता नहीं है याद करने लग जाओ ठीक है तो ये स्टार जो है इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम दिया गया है मीन करता तो समझ में आ गया सिंपल सी न्यूज स्टार नेम डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी औरंगाबाद याद रखिएगा औरंगाबाद की यूनिट है भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा इसको किया गया और सूरज के सबसे नजदीक स्टार है ये जिसका नाम रखा गया और कहां पर रजिस्ट्रेशन होता है इसका इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में इसका रजिस्ट्रेशन होता है अगली खबर एनएमसीजी ने अप्रूव किया प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन गंगा बेसिन ओके okay. गंगा बेसिन मतलब जहां जहां से गंगा नदी बहती है उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं उस एरिया में यहां पर गंगा बेसिन जो जो एरिया वहां पर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है जो कि एक नोडल एजेंसी है हमारे देश में गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार है उनके द्वारा यहां पर अप्रूव किए गए हैं तकरीबन बारह प्रोजेक्ट्स जिसके तहत वो यहां पर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो भी गंदगी है सीवरेज है उसको साफ साफ करने के लिए अलग लोकेशन से अलग लोकेशन पर 12 अलग अलग लोकेशन पे यहां पर आपके प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे और उसके लिए एन ने अप्रूवल दिया है और इसके लिए खर्चा किया जाएगा सत्ताईस करोड़ रुपए का यह हर एक जगह पे होगा जहां से गंगा बहती है यूपी बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल विद स्पेशल फोकस ऑन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा यानी गंगा नदी के से जो बाकी नदियां निकलती हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन कि हाल ही में गंगा बेसिन में यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए एन सी कितने प्रोजेक्ट्स किए गए बारह कितने अमाउंट के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए ट्वेंटी सेवन हंड्रेड करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं अगली न्यूज आई है आपकी मणिपुर से जलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया सेंट्रल एंड मणिपुर गवर्नमेंट जलियान ग्रोंग क्या है जलियान ग्रोंग वहां की एक नागा ट्राइब्स है जलियान ग्रोंग नागा ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है ये उस एरिया में रहने वाले लोगों का एक समूह है एक ट्राइब है यहां पर आपका और इनका कहना था कि इस हमारे जो ट्राइब है इसको एक अलग से स्टेट घोषित कर देना चाहिए मतलब जहां पर हम रहते हैं वो छोटा सा एक टुकड़ा हमें दे दिया जाना चाहिए ताकि हम कहीं से एक्सप्लोयड ना हो हम अपना खुद से यहां पर रह सकें और इस तरह की चीज़ें यहां पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत बार देखने को मिली है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसे बहुत सारे वहां पर ग्रुप हैं जो कि चाहते हैं कि हमारा जो एरिया जहां पर हम रहते हैं अलग से एक स्टेट घोषित कर दिया जाए और इसके लिए यहां पर वो बहुत बार गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं गलत काम मतलब गलत काम इन द सेंस की कोई जैसे टेर्रिज़्म वगैरह हुई ठीक है इंसर्जेंसी जिसको कहते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर किया जाता है वहाँ पर तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है हमेशा उनके साथ बातचीत करती रहती है इंडियन गवर्नमेंट बातचीत तो मतलब टस मस चलती रहती है अब कौन गलत है कौन सही है यहाँ पर वो मैटर नहीं करता क्योंकि हो सकता है वो लोग सही हो, हो सकता है ये भी सही हो, हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट सही हो खैर मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा सही या गलत पे यहां पर मेरा काम है न्यूज को बताना मैं उसके हिसाब से आपको न्यूज बता रहा हूं जलियान ग्रोंग यूनाइटेड फोरम जो है फिलहाल उसने पीस एग्रीमेंट जो कि एक वन ऑफ द इंसर्जेंट ग्रुप है तेरा जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनमें इसका नाम शामिल किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा यहां पर आपका ओ सॉरी साउथ एशिया टेररिस्ट पोर्टल पे यहां पर इसका नाम शामिल किया गया था और इसके द्वारा पीस एग्रीमेंट जो किया गया इसका पीस एग्रीमेंट का मतलब है कि हम अब वहां पर शांति चाहते हैं हम किसी भी तरह की कोई गड़बड़ वहां पर नहीं करेंगे और इसके लिए उन्होंने मणिपुर सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है 2011 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था नागा ग्रुप है विच इज एक्टिव इन मणिपुर यहां पर और ग्रुप क्लेम्स दैट टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दि जलियान नागा ट्राइब्स मणिपुर असम एंड नागालैंड में उनको ये ग्रुप किया था और इसका काम है जलियान ग्रोग स्टेट को यहां पर बनाना विद इन द इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग दलियान ग्रोग नागा ट्राइब्स एरिया एंड मणिपुर असम एंड नागालैंड सो मणिपुर असम एंड नागालैंड तीनों एरिया में जो आपका जलियान ग्रोंग ट्राइब है उनके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उस एरिया में यहाँ पर उनको उन्होंने कहा कि हमें एक अलग से स्टेट बना दो ठीक है तो दे आर गोइंग टू गिव अप दी वॉयलेंस एंड ज्वाइन दी पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब अभी भी जारी रहेगा उनका प्रोसेस लेकिन दे विल नॉट बी वॉयलेंट मतलब कि कोई खून खराबा हथियार व वथियार नहीं उठाएंगे हम आराम से तसल्ली से बात करेंगे बातचीत कंटिन्यू रहेगी लेकिन तसल्ली से पीसफुली ये बातचीत की जाएगी ठीक है ओके okay, सो so उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी जलियान ग्रोंग यूनाइटेड फोरम का नाम याद रख लें कौन से स्टेट से संबंधित है यहां पर मणिपुर से संबंधित है यहां पर और साथ ही साथ असम और नागालैंड से भी संबंधित है जलियान ग्रोंग नागा ट्राइब्स है जो कि वहां पर स्टेट बनाने की मांग कर रही है पावर मिनिस्ट्री एंड डीआरडीओ ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पावर स्टेशन ओके पावर स्टेशन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां पर बनाया जाएगा पावर मिनिस्ट्री और डीआरडीओ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है सो बेसिकली पावर अर्ली पावर स्टेशन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की क्या जरूरत है बहुत सारे हमारे देश के जो पावर स्टेशन है वो पहाड़ी इलाकों में स्थित है और पहाड़ी इलाकों में आप सबको मालूम है आए ना आए दिन कोई ना कोई नेचुरल कैलोमिटी यहाँ पर डिजास्टर जो है वो होने की आम बात होती है और खासकर जहां पर ये पावर स्टेशन होते हैं क्योंकि पावर स्टेशन रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होते ये ऐसी जगह पे होते हैं जो कि नदी के किनारे है पहाड़ बिल्कुल ऊंचा है तो इस तरह पे वहां पर अब और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आने के अः जो आती रहती हैं स्वाभाविक है वहां पर आना तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए पहले से ही तैयारी की जाए उन पावर स्टेशन के द्वारा तो उनको ये यहां पर एक सुविधा दी गई है अर्ली वार्निंग सिस्टम की तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया डीआरडीओ टू इंप्लीमेंट एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वन हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड पावर स्टेशन इन हिली रीजन इसके साथ डीआरडीओ ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ भी एक और एमओयू इनके साथ इनके अलावा और भी एमओयू साइन किया गया है जिसमें है सीएसआईआर शामिल है जिसमें नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी एंड इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन शामिल है डी के अलावा भी इनके साथ एग्रीमेंट इसी तरह का साइन किया गया है द अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विल अलर्ट स्टेक होल्डर इन द केस ऑफ नेचुरल हिजार्ट लाइक दे हैव लॉन्चेज लैंड स्लाइड होगी ग्लेशियर अगर गिरेंगे ग्लेशियर लेक्स एंड मोर इन सभी में अगर कुछ ना कुछ कुछ भी होता है तो ये पहले ही ये सिस्टम हमें बता देगा कि ऐसा कुछ फ्यूचर में होने वाला है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है ओके okay, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं एक जनवरी को सुबह साढ़े नौ से लेकर रात के साढ़े नौ बजे तक आपके लिए मैं एक पूरे के पूरे एक मैराथन लाइव मैराथन लेकर आ रहा हूं जिसमें हम 12 घंटे पिछले छह महीने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे एस बी आई पी और एस बी आई क्लर्क मेन्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो तो इनको देखें ही देखें अगर आप आरबी असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एल आई सी डब्लू के लिए तो उनके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है तो उनके लिए भी यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर्स डेफिनेटली आने वाली है उनको पढ़नी पड़ेगी तो ये कंप्लीट रिवीजन जुलाई से दिसंबर का रहेगा पूरा पूरा मैं करवाऊंगा आपको और बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा आप सभी से यही उम्मीद है कि आप से से सेशन को लाइव अटेंड कीजिएगा इस सेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका हूं ठीक है लाइव ज़रूर आइएगा जितने ज़्यादा लोग लाइव होंगे उतना मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और इसी क्लास के दौरान शायद आपका आर आर वी आर क्लर्क का रिजल्ट भी आने वाला है तो हम उस क्लास के दौरान बातें भी करेंगे उनसे मुखातिब होंगे डायरेक्ट कॉल पे बात करेंगे आपकी बात भी करवाएंगे बीच में जब ब्रेक लेंगे छोटा सा और भी बहुत सारे छोटे छोटे सरप्राइजेस हैं आपके उस दिन तो एक दिसंबर को मेरे साथ न्यू ईयर मनाना मत भूलिएगा 2023 का आगे बढ़ते हैं आई आई टी गुवाहाटी एंड आई आई टी बॉम्बे कोलाब्रेशन विद द यूरोपियन यूनिवर्सिटी सो यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी बॉम्बे ने कोलाबरेशन किया है और इस कोलेब्रेशन के साथ क्या किया जाएगा एक लोटस नाम का एक प्रोडक्ट बनाया गया लोटस क्या है लो कॉस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट फॉर अर्बन एंड रूरल वाटर सिस्टम इन इंडिया तो ये लोटस का पूरा नाम है लोटस का पूरा नाम है इसका कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है जिसमें कोस्ट बहुत कम आएगी और जो पोर्टेबल जो पीने का पानी है उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि पीने का पानी जो है वो पीने लायक भी है या नहीं है ठीक है इस चीज को यहां पर किया जा सकता है सो लोटस इंडो यूरोपियन प्रोजेक्ट एक इनिशियेटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एंड द यूरोपियन कमीशन एम्स एंड प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड एंड दी वर्ल्ड वाइड तो ये है आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी बॉम्बे और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज जो है तीनों मिलकर यहां पर कोलेबरेट कर रही है तीनों मिलकर आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी बॉम्बे एंड साथ में है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज तीनों मिलकर कोलैबोरेट करेंगी और एक लोटस नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगी और ये लोटस यहां पर आपको देगा क्या क्वालिटी ऑफ पोर्टेबल एंड अदर वाटर इन इंडिया आईटी आई कोलैबोरेट्स विद द लिंक जेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड हाइड्रोस्कोप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी यहां पर ये टाइप करेंगे जिसके तहत सेंसर को यहां पर प्रोडक्शन की जा सकता है। प्रोडक्शन जो करेगा वो ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसका प्रोडक्शन करेंगे ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं एनटीपीसी एंड टेक्नी मोन्ट साइंड एम यू फॉर ग्रीन मेथेनोल प्रोजेक्ट सो एन टी पी सी और टेक्नी मोन्ट नाम की कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है और ये जो एग्रीमेंट किया है वो किया गया है आपका इटली की एक इटली की एक ऑर्गेनाइजेशन और, के साथ टेक्नी मोन्ट जो है इटली की ऑर्गेनाइजेशन है एन टी पी सी ने एग्रीमेंट साइन किया और यह किया है ग्रीन मेथेल ग्रीन मैथनॉल यहां पर प्रोड्यूस किया जाए ग्रीन मेथेल यहां पर ऐसा मैथनॉल है जो कि बहुत सारी जगहों पर बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन इलेक्ट्रिस okay. तो जो जो प्रोड्यूस करता है जो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाएगा ग्रीन फ्यूल को बनाने में यहां पर और ग्रीन फ्यूल की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी एट दी एन टीबीसी प्रोजेक्ट इन इंडिया तो ये यहां पर इसके लिए उन्होंने किसके साथ टाइप किया है टेक्नीट ग्रुप इटली की कंपनी है इंडिया की टेक्नीमोट प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाइप किया है इस तरह के प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे चलते हैं टाटा स्टील एंड टूटर टूटर हाइपर लुक ज्वाइन हैंड्स टू ड्वेल दी हाइपर टेक्नोलॉजी तो हाइपर क्या हाइपर लुक बेसिकली एक तरह की ट्रेन है जो कि यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है और ये ट्रेन कैसी रहती है ट्रेन बेसिकली गोल सी होती है मतलब इस तरह के शेप की होती है सिलेंडर सिलेंडर टाइप कह सकते हो ना हाँ तो ये उस शेप की होती है और गोलाई में होती है ऐसे गोलाई में होगी और इस तरह की शेप की ट्रेन को यहाँ पर हाइपर लूप टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और ये बहुत ही फास्ट मूविंग होता है बहुत ज्यादा तेज चलती है इज अ फ्यूचर ऑप्शन फॉर हाई स्पीड ट्रेन लो कॉस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो इसके लिए टाटा सील और तुरतुर हाइपर लूप ने एक साथ हाथ मिलाया है और एक साथ मिलकर इस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग काम करेंगे फेज वन वर्क विल टेक प्लेस ऑन द फिफ्टी मीटर टेस्ट ट्रैक एट आई आई टी मद्रास दर्क टू अचीव अ टेन किलोमीटर ट्रैक वुड बी कंप्लीटेड इन फेज टू एंड फेज थ्री ओके सो ये यहां पर आपका दस किलोमीटर ट्रैक जो है फेज टू फेज थ्री का यह भी कंप्लीट होगा उससे पहले पचास मीटर के टेस्ट ट्रैक पर काम करेंगे पहले पचास मीटर पर काम करेंगे फिर 10 10 किलोमीटर के फेज टू और फेज थ्री में काम करेंगे और ये कहां पर रहेगा ये 50 मीटर का टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास में आईआईटी मद्रास में आई टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा वहां पर इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम एक आई है जिसमें तकरीबन हजार स्मॉल स्टेशन जो है उनको रेनोवेट किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में ये स्कीम इतनी ही है बस इसमें कि हजार स्मॉल स्टेशंस को यहाँ पर रेनोवेट करना उनको नया लुक देना नया यहां पर उनको कोई पुरानी बिल्डिंग्स है उनको हटाकर नई जगह पर शिफ्ट करना वगैरह वगैरह मॉडर्नाइज करना ये सब काम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहां पर करने वाली है सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करने वाली है स्कीम विल बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट ड्राइव एंड अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा हजार स्मॉल स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा राइट right. आगे चलते हैं के आर गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड ओके एक बार इसको पढ़ो मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ ओके, सो ये न्यूज है के आर गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड क्यूबन सोशल वर्कर एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एलियादा गोएवारा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट गे आर गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड जो कि के आर गोरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया कौन है ये के है एलियादा गुवेरा एलियादा गुवेरा इनको सेलेक्ट किया गया है आपका अगर मैं के आर गोरी अम्मा जी की बात करूं इनका निधन हो चुका है यहां पर लास्ट ईयर ही एक सौ दस दो साल की उम्र में इतनी उम्र लेकर गई थी सो so, और इनके बारे में ये है फेमस कि सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग एम थी केरला की एंड ऑल्सो द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फर्स्ट केरला गवर्नमेंट यानी कि जब पहली बार केरला गवर्नमेंट सरकार बनी थी उस टाइम भी एमएलए बनी थी और अब भी ये एमएलए थी उस टाइम की ये मेंबर थी उस गवर्नमेंट की यहां पर पहली मेंबर थी उनको फर्स्ट केरला गवर्नमेंट की पहली मेंबर्स में से एक थी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में जब स्लिट हुई तो के आर गोरी जी ने ज्वाइन किया न्यूली फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शी फॉर्म एंड हेडेड दोलिटिकल पार्टी जनाथी पथिया संरक्षण समिति नाइनटीन में और शी शीवाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द हिस्टोरिकल लैंड रिफॉर्म्स बिल इन केरला शी पास अवे कैट दी एज ऑफ वन जीरो टू ओके तो ये तो नीचे वाला जो पार्ट है ये के आर गोरी अम्मा जी के बारे में है क्योंकि इनके नाम से अवॉर्ड दिया गया है और ये पहली बार ये अवार्ड दिया गया है फर्स्ट अवार्ड है तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है इंपॉर्टेंट है कि कौन थी गेरी के गे आर गोरी अम्मा और उनका जो प्राइज़ है पहला उनके नाम से दिया गया है अलीदा गोएवारा को जो कि क्यूबा से बिलोंग करते हैं क्यूबा राइट चलिए आगे चलते हैं अटल सम्मान अवार्ड अटल सम्मान अवार्ड दिया गया प्रभु चंद्र मिश्रा को प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान अवार्ड अटल अन्वेषी सम्मान और सम्मान अवार्ड ड्यूरिंग द दाइन्थ अटल सभा सम्हा समारोह दिल्ली में ये इवेंट हुआ था ओके दिल्ली में इवेंट हुआ था आपका ही वॉज ऑनर्ड विद विदॉर्ड फॉर इज एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च ही हैज वर्कड इन द एरियाज ऑफ स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी स्पेशली वेन इन आई टेक्नोलॉजी जो है जहां पर फेल हो जाती है उस तरह की टेक्नोलॉजी जो फेल होती है उसके बाद भी एक ट्रीटमेंट है उसको यहाँ पर आ, काम करने के लिए प्रभु चंद्र मिश्रा जी को यह अटल सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है तो अटल सम्मान अवार्ड से इनको नवाजा गया है इस उनके काम के लिए ओके और जस्ट नाम में याद आपको याद रखना है चंद्र मिश्रा अटल सम्मान अवार्ड दैट्स इट अगली एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट आई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से ओके okay, और ये रिपोर्ट बेसिकली आई है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि एक यहां पर आ, इंडिया में एक काम शुरू की थी या स्कीम शुरू की गई थी नाम था असिस्टेंट टू बोटेनिक गार्डन स्कीम ये असिस्टेंट टू बोटेनिक गार्डन स्कीम जो है इसके तहत जो भी खर्चा किया गया था वो खर्चे का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया गया था सही जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था ये एक रिपोर्ट सी ए जी की दीगी। आपका जो मेन काम है इसका वो यही देखना कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट जहां भी खर्चा कर रही है वो सही तरीके से खर्चा कर रही है क्या नहीं कर रही ये उनका काम है देखना ये उनका मोटिव है देखना तो यहां पर उन्होंने एक बजट रखा फोर्टी 07 करोड़ रुपीस जो उनके द्वारा खर्चा किया गया असिस्टेंट टू बोटेनिक गार्डन स्कीम के लिए जो कि इंप्लीमेंट की गई थी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में उसके बाद फिर इसके रिलेटेड गाइडलाइन जो है 2007 में आई और फिर इसको रिवाइज किया गया 2013 में लेकिन जो इसमें 48.07 करोड़ रुपीस खर्च किया गया था और वो खर्च किया गया था ऐसे प्लांट्स को बचाने के लिए जो कि यहां पर रिस्क में है जो कि यहां पर खत्म हो रहे हैं आने वाले दिनों में यहां पर उनको बचाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी लेकिन इस स्कीम में ये 48.07 करोड़ नहीं इस्तेमाल किए गए कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ ऐसा इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में देखने को मिला है अगली खबर एक और रिपोर्ट आई है सीई बी आरस वेल्ट दो वेल्ट क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल वर्ल्ड का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल इसके द्वारा यहां पर आपकी रिपोर्ट दी गई है यह रिपोर्ट दी गई है और किसके द्वारा दी गई है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिसर्च इंडिया के के द्वारा द्वारा इस रिपोर्ट सॉरी इसको रिपोर्ट को दिया गया है रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल ओके अब इस लीग टेबल में इकोनॉमिक लीग टेबल में मतलब क्या है कि कौन सी कंट्री कितना अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रही है कितने अच्छे से ग्रो कर रही है यह उससे संबंधित एक रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में तकरीबन पूरे दुनिया की 190 जो इकोनॉमीज है 190 कंट्रीज है उनका असेसमेंट किया जाता है और इस असेसमेंट में टॉप पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रही यहां पर 2022 की रिपोर्ट में यहां पर पर आपका उसके बाद चाइना जापान एंड जर्मनी दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर रही और 2023 के जो टेबल में उन्होंने प्रोजेक्शन दिया कि यूएसए फिर से टॉप पे रहेगा उसके बाद चाइना जर्मनी और जापान यहां पर दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पर रहेगा तो सेम ही उन्होंने रिपोर्ट दी है चाइना जापान जर्मनी था इस बार चाइना जर्मनी जापान हो गया और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इन्होंने पांचवी दी है 2022 में इन्होंने पांचवी दी है और दो में इन्होंने कहा है कि इंडिया तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा 2022 में इन्होंने पांचवी रैंक दी है और दो में कहा इंडिया तीसरे स्थान पर होगा दो का जो प्रोजेक्शन है उसमें चाइना को टॉप किया गया है और यूएस से इंडिया जापान और जर्मनी इस तरह से रैंकिंग बदल चुकी है और ये भी कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पूरी की पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है जो यहां पर आपका जीडीपी है इकोनॉमी का मतलब यहां पर जीडीपी से तो जीडीपी जो है टोटल 100 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सरपास हो चुकी है और यही 207 ट्रिलियन डॉलर दो तक हो जाएगी ओके okay. और ये कैलकुलेशन के बारे में लिखा हुआ कि कैसे की जाने की नहीं है समझ में आता है ठीक है नहीं तो छोड़ सकते हो जो चीजें याद करनी है कि रैंकिंग क्या है इंडिया की रैंकिंग है कौन सा एडिशन है चौदवा की रैंकिंग बाकी देशों की रैंकिंग दो में इंडिया की रैंकिंग बाकी देशों की दो में रैंकिंग ये आपको याद करना है इस न्यूज में से रिपोर्ट आई है किसके द्वारा सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है अगली न्यूज है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अपॉइंट किए गए इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी ये जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरपार सिंह जी की और अगली खबर है यहां पर आपकी भास्कर बाबू जी को अपॉइंट किया गया सूर्योदय बैंक का चीफ सूर्योदय बैंक का चीफ यहां पर अपॉइंट किया गया है किसको अपॉइंट किया गया है यह अपॉइंट किया गया है आपका भास्कर बाबू रामचंद्रा को एम एंड सीओ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहले भी यही थे दोबारा से इनको अपॉइंट किया गया है ओके okay, मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा इस क्लास का लिंक मैं दे चुका हूँ जाकर अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना लाइक करके बताना जरूर कि कितने लोग लाइव आएंगे आई वॉन्ट एटलीस्ट हज़ार लोग वहाँ पर लाइव हो मोटिवेशन बना रहेगा पूरे बारह घंटे पढ़ाने का और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ध्यान रखिएगा अन पे फिलहाल 23% परसेंट डिस्काउंट आया 2023 के लिए 23% प्रतिशत डिस्काउंट आपके सभी के सभी सब्सक्रिप्शन के लिए चाहे आप बैंक एग्जाम में जा रहे हो या किसी भी और सब्सक्रिप्शन को आपको लेना है एस वगैरह किसी में भी तो आप उस पर ट्वेंटी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो और इवन जो जे का मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है नाइन्थ ऑफ जनवरी से उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो जीआईबी या डीबीएफ जो आप करने जा रहे हो उसमें भी 23 परसेंट का डिस्काउंट है तो ये इस बार अनकेडमी के द्वारा सबसे मिनिमम अमाउंट है जो आ, दी जा रही है जिसपे आपको सब्सक्रिप्शन दी जा रही है तो एनरोल जरूर कर लेना ये टाइम जो है निकल ना जाए कहीं पर हाथ से तो ये आपके लिए सब्सक्रिप्शन के प्लान्स हैं आप देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी दे रखा है मैंने सब्सक्रिप्शन को परचेज करने का कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो एन आई टी आई एन आई टी आई कोड इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको ये ट्वेंटी थ्री परसेंट का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा चलिए मुलाकात करते हैं आज शाम को एक सात बजे लाइव सेशन है हम चारों का शाम को सात बजे एक लाइव सेशन हम चारों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम पर भी दे दूंगा शाम को सात बजे मुलाकात करेंगे हम चारों के चारों आपके साथ एक साथ मिलकर कुछ बातें करेंगे आपके लिए बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए जो भी समस्याएं है हैं उनको सुनेंगे आपसे मुखातिब होंगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे हम चारों के चारों आप सब इन चारों को जानते हैं इंक्लूडिंग मी उम्मीद करता हूं मुलाकात करेंगे लिंक मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी मुलाकात करते हैं फिर हार एन अकेडमी की प्लस क्लास में आ जाइए एडिटोरियल क्लास वहां पर स्टार्ट करते हैं थैंक यू सो मच और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास कुछ समय बाद करेंगे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पर